शाहरुख खान की फिल्म जीरो के लिए एक्वामैन ने बदल दी है अपनी डेट। शाहरुख खान की फिल्म जिसे आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है, नाम है जीरो, ये बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके कंपटीशन में आ सकती है एक और फिल्म एक्वामैन। भारत में ये फिल्म 14 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जबकि हॉलीवुड में इसे 21 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में जेसन मोमोआ यानी कि कैरी उर्फ एक्वामैन के किरदार में है। जेसन मोमोआ के लिए ये सुपर हीरो की तरह एक पहली फिल्म होगी। इंडिया में भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। एक्वामैन भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज हो रही है। भारत में हॉलीवुड फिल्मों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म अच्छी ओपनिंग देगी। इस साल रिलीज हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वंडर वुमन, मिशन इम्पॉसिबल ने बेहतरीन कमाई की थी। फिल्म एक्वामैन को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर साजिद कुरैशी अपने इनबॉक्स पिक्चर्स के जरिए रिलीज कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि एक्वामैन दर्शकों का इंतजार दुनिया भर में हो रहा है। भारत में भी लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में ये फिल्म 169 मिलियन की कमाई कर चुकी थी चीन में, जो अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद हमें उम्मीद है कि ये भारत में भी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। फिल्म एक्वामैन की कहानी अटलांटिस के जलमग्न राज्य पर बेस्ड है। फिल्म के मुख्य किरदार और अटलांटिस के मुख्य अधिकारी के उत्तराधिकारी आर्थर कैरी यानी जेसन मोमोआ की परवरिश समुद्री दुनिया के दूर इंसानों में होती है। भारत में एक्वामैन को एक हफ्ते पहले रिलीज करने की वजह शाहरुख खान की फिल्म जीरो से क्लैश से बचने के लिए बताया जा रहा है। शाहरुख, अनुष्का, कटरीना स्टारर जीरो 21 दिसंबर को रिलीज होगी। शाहरुख की पॉपुलैरिटी दुनिया भर के दर्शकों में है। ऐसे में सुपर हीरो फिल्म ने अपनी रिलीज डेट पीछे खिसकाना बेहतर समझा, तो पूरी दुनिया में 21 दिसंबर को आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में 14 दिसंबर को।